Very good morning, dear students. Today we will discuss about the next topic of very first chapter, chemical reactions and equations of your science subject. And today's topic is types of chemical reactions. बेटा हम लोगों ने इस टॉपिक में ये डिस्कस करना है कि डिफरेंट जो केमिकल स्पीशीज होते हैं वो आपस में किस तरह से रिएक्ट कैसे करते हैं, ठीक है? मतलब एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन या अ पेयर ऑफ जो स्पीशीज होते हैं, पेयर ऑफ केमिकल स्पीशीज हैं, आपस में आप लोग उनको रिएक्ट करवा रहे हो, तो वहां पे जो चेंज टेक्स प्लेस हो रही है, जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है वहां पे, वो पर्टिकुलर चेंज जो है वो किस पर्टिकुलर वे से टेक्स प्लेस हो रही है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. मीन्स हाउ मेनी डिफरेंट वेज आर देयर फॉर केमिकल चेंजेस, ठीक है? तो इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे. तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं बेटा, एक पर्टिकुलर जो केमिकल रिएक्शन होती है वो डिफरेंट वे से टेक्स प्लेस कर सकती है. मीन्स टू से एक पर्टिकुलर केमिकल स्पीशी जो है वो डिफरेंट वे से डिफरेंट कंडीशंस में रिएक्ट करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो फॉर्म कर सकता है. तो उसी के बारे में आज हम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे. कुछ जो टाइप्स होंगी वो आज डिस्कस करेंगे, लेफ्ट जो बाकी की रेस्ट ऑफ द बचेंगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो बेटा लेट अस स्टार्ट. द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो कॉमनली ऑब्जर्व होती है या जिसको हम जनरली कह सकते हो कि हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं इसको, या फिर आप कह सकते हो कि मोस्ट ऑफ केसेस में हम लोग इसको परफॉर्म भी करते हैं, ठीक है? इनमें सबसे फर्स्ट आपके पास आती है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, कॉम्बिनेशन मींस कंबाइन, मतलब इस रिएक्शन में होता क्या, इस टाइप की रिएक्शंस में क्या होता है कि टू और मोर देन टू केमिकल कंपाउंड जो है वो आपस में रिएक्ट करके सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म करते हैं, ठीक है? दैट इज देन टू और मोर देन टू स्पीशीज कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट. दोस टाइप ऑफ रिएक्शन आर नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा यहाँ पे आपको ये एक एक्टिविटी दी हुई है. क्या किया गया, हमने एक स्मॉल सैंपल लिया कैल्शियम ऑक्साइड का, ठीक है? कैल्शियम ऑक्साइड बेटा वही आपको क्विक लाइन जिसको हम बोलते हैं वो होता ही है, क्विक लाइन कैल्शियम ऑक्साइड. ये वो पाउडर होता है, वाइट पाउडर, जैसे आपने देखा होगा वो मार्केट में पैकेट्स मिलते हैं इसके, प्लेग्राउंड्स में मार्किंग के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है? और पहले तो इसका यूज वाइट वॉशिंग वगैरह के लिए भी किया जाता था, लेकिन आज की डेट में क्योंकि आर्टिफिशियल जो है वो मटेरियल्स पेंट्स वगैरह आ चुके हैं तो इसका यूज थोड़ा सा कम हो चुका है. वहां पे भी यही यूज होता है उन केसेस में भी, लेकिन पहले हम डायरेक्टली यूज करते थे पैकेट्स लाकर मार्केट से, उसमें उसको पानी में डिजोल्व करके फिर हम लोग वाइट वॉश करते थे इसके साथ. ये वही है वाइट पाउडर जिसको आप चूना बोलते हो लोकल लैंग्वेज में, ये वो होता है बेटा क्विक लाइम. तो जब हम इसको वाटर में ऐड करते हैं, ठीक है, जब क्विक लाइम और वाटर को आपस में ऐड किया जाता है तो वहां से आपके पास बेटा स्लेक लाइम बनता है जिसका केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा. एक तो मिल्की सस्पेंशन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मिल्की सस्पेंशन दूधिया कलर का जिसको हम बोलते हैं, जो नॉर्मली व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता था, ठीक है, वो होता है ये तो, या मार्किंग वगैरह के लिए यूज किया जाता है आज की डेट में भी. सिमिलरली एक और होता है, उसका फॉर्मूला भी सेम ही रहता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH2YG होता है, लेकिन उसको हम लाइम वाटर के नाम से जानते हैं, लाइम वाटर, ठीक है बेटा? अब लाइम वाटर और स्लेक लाइम में क्या डिफरेंस है, स्लेक लाइम आपके पास एक मिल्की सस्पेंशन होती है, ठीक, और जबकि जो आपका
लाइव वाटर होता है वो क्लियर एक्वस सॉल्यूशन होता है, क्लियर एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, फॉर्मूला दोनों का सेम रहता है। तो बेटा जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को, क्विक लाइम को रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ, तो हमारे पास ये जो रिएक्शन होती है ये विग्रस रिएक्शन होती है, विग्रस इन द सेंस की जल्दी से टेक्स प्लेस हो जाती है और यहां से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन। मतलब आपका जो कंटेनर है जिसमें आप ये मिक्स कर रहे होंगे वो कंटेनर गर्म हो जाता है, ठीक है। इसको आप घर पे भी हम इस चीज को मतलब प्रैक्टिसाइज कर सकते हैं। जैसे एक बीकर लीजिए या ये कोई भी कंटेनर ले लीजिए, उसमें आप ये डाल लीजिए, क्विक लाइम डाल लीजिए और ऊपर से पानी ऐड करिए, तो आप देखोगे कि वहां पे रिएक्शन होनी टेक्स प्लेस हो जाती है और हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। हाथ नहीं डालने बीच में, आप साइड से टच कर सकते हो, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है, ये साइड से अगर कंटेनर को टच करेंगे तो वो थोड़ा सा हीट अप हो जाएगा। तो ये शो करता है कि ये जो रिएक्शन है जो टेक्स प्लेस हो रही है यहाँ पे हीट रिलीज होती है। और ऐसी रिएक्शंस जहां पे अब सर्टन अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो ड्यूरिंग द रिएक्शन, उन रिएक्शंस को बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है जी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस याद रखना बेटा। और यहां पे क्योंकि दो स्पीशीज आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसलिए इस रिएक्शन को बोल दिया जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है बेटा। ये आपके पास वेरी फर्स्ट टाइप होती है। इसी तरह से आप और भी एग्जांपल्स दे सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन H2 गैस को जब क्लोरीन गैस के साथ ट्रीट किया जाता है तो वहां से आपके पास टू मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl गैस जो है वो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होती है, वो भी एक क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप उसको लिख सकते हो जैसे मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, H2 प्लस Cl2 गिव राइज टू 2HCl, ठीक है, ये आपके पास एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन रहती है। इसी तरह से अदर्स भी हम कोई भी यूज कर सकते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन हमने की, वहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया आपके पास। इसी तरह से अदर रिएक्शन जहां पे याद रखना है कि वो रिएक्शन जो आप एग्जाम्पल दे रहे हो जिस रिएक्शन, वहां पे दो स्पीशीज आपस में रिएक्ट करने चाहिए और आपके पास जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो मोस्टली सिंगल प्रोडक्ट जो है वो बढ़ना चाहिए, ठीक है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ओके बेटा। नाउ द नेक्स्ट वन इज, आगे क्या कहेंगे, नेक्स्ट जो रिएक्शन है इसमें एक एग्जांपल और है, जैसे ये स्लेक लाइम को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड से ट्रीट करते हैं, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, ये वो रिएक्शन है बेटा जब हम जैसे वो जो व्हाइट मिल्की व्हाइट सस्पेंशन जो बनी, जब हम उनको वॉल के ऊपर लगाते हैं जैसे व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं, तो वहां पे आपको पता है एटमोसफियर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, तो वो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्टेक्ट में आते ही किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जिसको अब एक लेयर सी बन जाती है वॉल के ऊपर। आपने देखा होगा कई बार जब व्हाइट वॉश हुए काफी टाइम हो जाता है तो लेयर्स एक पपड़ी सी जो है वो रिमूव आउट होना स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम द वॉल, वो जो लेयर है वो और कुछ नहीं, वो यही आपके पास क्या होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है बेटा, ठीक है। तो इस केस में भी आप देख रहे हो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन कर रही है, ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट आपका मेन प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो ये भी एक आपके पास अनदर जो है वो टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ही आ जाता है, लेकिन यहाँ पे वाटर मोल्स जो है दैट इज सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह रिलीज हो सकते हैं इन टाइप की कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ठीक है बेटा जी। ये वो रिएक्शन है जो प्रैक्टिकली बेटा टेक्स प्लेस करती है, ये हम लोग नॉर्मली इन रिएक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं, स्पेशली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ये वो रिएक्शन है जो हम नॉर्मली इनको प्रैक्टिकली अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कामों के लिए ये यूज किया जाता है और वहां पे ये रिएक्शन जो हम वो टेक्स प्लेस होती है, क्लियर बेटा। इसी तरह से आपने एक चीज और देखी होगी, जब हम मार्बल घर में मार्बल लगाते हैं ना,
वहां पे आपने देखा होगा मार्बल को मशीन के साथ स्मूथ बनाने के लिए उसके ऊपर उसको यू कैन से रबिंग की जाती है उसकी, तो वहां से वो क्योंकि वाटर के साथ मिक्सिंग होती है, वाटर के साथ उसको रब किया जाता है, तो अगर उसका जो वो बना वहां पे वाइट सा एक सस्पेंशन भी बन जाती है, वो अगर हम जहां पे फेंकते हैं वो वहीं पे फ्रीज कर जाता है अगेन दोबारा से, तो वो भी यही बेटा होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है वहां से, और जहां पे उसको फेंका गया एटमोस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके वो फिर से वही कैल्शियम कार्बोनेट बना हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, ये चीज रहती है। तो इस तरह की रिएक्शंस जहां पे दो डिफरेंट स्पीशीज आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे, ठीक है, और मे बी सम सिंपल मॉलिक्यूल्स जैसे वाटर हो गया, CO2 अगर साथ में प्रोड्यूस हो रही है, तो इन टाइप को ऑफ रिएक्शंस को बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके अलावा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बर्निंग ऑफ कोल जो है, ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस आपस में, यहाँ पे बर्निंग के दौरान क्या होता है, हम कार्बन को बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वहां पे क्या बना कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होती है, प्लस यहाँ से भी हीट रिलीज होती है, तो ये भी क्या है एक तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और साइड बाय साइड क्योंकि हीट रिलीज हो रही है तो ऐसी रिएक्शन, द रिएक्शंस द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच सर्टन अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड, EVOLVED, इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द केमिकल चेंज, दोस टाइप ऑफ रिएक्शन आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ये बेटा ध्यान देना है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, तो बेसिक टाइप कौन सी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, लेकिन कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आगे जो है ये जहां पे हीट एनर्जी रिलीज हो रही है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और जहां पे हीट गेन हो रही हो, मतलब ऐसी रिएक्शन जो हीट की प्रेजेंस में टेक्स प्लेस कर रही हो, उनको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इसी तरह से ये फॉर्मेशन ऑफ वाटर हो गया आपके पास H2+O2 गिव राइज टू 2H2, ये सारी की सारी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है जी। तो जनरली आप कैसे डिफाइन करोगे, आप यही कहोगे कि व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस दैट इज एलिमेंट्स और कंपाउंड कुछ भी हो सकते हैं कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, देन द रिएक्शंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। दिस इज द लाइन विच यू कैन यूज टू डिफाइन द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, इस लाइन को आप एज अ डेफिनेशन ले सकते हो फॉर डिफाइनिंग द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एक्टिविटीज जैसे कि मैंने आपको बोला ही है, पहले भी बोला था कि एक्टिविटीज प्रैक्टिकली हम लोग करेंगे ये लैब्स में, फिलहाल आप इनको जैसे कॉमन सी कुछ ऐसी होती हैं जो हम घर पे भी कर सकते हैं इनको, ठीक है, इतनी ज्यादा हार्मफुल नहीं होती, और हमारे पास ये कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो नॉर्मली प्रेजेंट रहते हैं, जैसे मैंने अभी बोला कि वो स्लेक लाइम और वाटर वाली जो रिएक्शन है वो हम लोग घर पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है जी, दिस इज द केस। सो सिमिलरली आगे कुछ रिएक्शन होती हैं, ये एक्सोथर्मिक की बात हो रही है, जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आगे कौन सी, दो तरह की हो सकती हैं, एक एंडोथर्मिक जहां पे हीट अमाउंट ऑफ हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो, ठीक है, और सेकेंड जहां पे अमाउंट ऑफ हीट जो है वो इवॉल्व हो। तो यहाँ पे जैसे हमने अभी देखा कि इवोल्यूशन ऑफ हीट हो रही है, तो ये क्या कहलाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती हैं। तो ये आप डेफिनेशन लिख सकते हो, द रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ये भी बेटा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में ही आती है, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, आप इनको अलग से भी लिख सकते हो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है जी। बाकी क्योंकि हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन में इनकी एग्जांपल्स कर रहे हैं, कुछ ऐसी मतलब कोई भी पर्टिकुलर बेटा जब केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है तो वहां पे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन नहीं होती, उसमें मल्टीपल नंबर ऑफ रिएक्शंस टेक्स टाइप ऑफ रिएक्शन जो है वो टेक्स प्लेस करती है। जैसे अभी आपने यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कर रहे हैं हम बेसिकली, लेकिन यहाँ पे क्या है, सम चेंजेस अदर चेंजेस आर आल्सो ऑब्जर्व लाइक इवोल्यूशन ऑफ हीट, तो ऐसी रिएक्शंस को कॉम्बिनेशन कम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोल दिया जाता है, ठीक है। जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस है, ठीक, बर्निंग ऑफ फ्यूल हो गया, जैसे पेट्रोल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जब हम बर्न करते हैं वो वाली, ठीक है, LPG को जलाया जाता है, जैसे हम लोग किचन्स में यूज करते हैं LPG गैस को, गैस बर्नर को जब ऑन करते हैं तो वहां से हीट एनर्जी रिलीज होती है, ये कौन सी है, ये सारी की सारी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। सिमिलरली इसी तरह से रेस्पिरेशन जो हमारी होती है, रेस्पिरेशन डाइजेशन प्रोसेस जो टेक्स प्लेस करती है ड्यूरिंग डाइजेशन,
फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर सब्सटेंसेस, सिंपल सब्सटेंसेस, ठीक है, राइस पोटैटोज एंड ब्रेड कंटेन्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनमें, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ब्रेक करते हैं, ब्रेक डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज बनता है वहां से, ठीक है, और ये ग्लूकोज जो है कंबाइन करता है विद ऑक्सीजन के साथ हमारे जो सेल्स होते हैं, ठीक है, इन आवर बॉडी सिस्टम है प्रोवाइड, वहां से क्या होता है एनर्जी रिलीज हो रही है। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन होती है, रेस्पिरेशन ही होती है ये जब हम लोग इस डाइजेशन रिएक्शन को स्टडी करते हैं, तो ये जो प्रोसेस है कंप्लीट जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, ये तो चलो बायो का टॉपिक है, वहां पे हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं तो ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, ये ना एनर्जी रिलीज, ठीक है, तो देयरफॉर जो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन है इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है, रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है बेटा, ये ध्यान रखना, क्लियर बेटू, ये क्वेश्चन भी है आपको टू और मार्क्स, टू मार्क्स में बेसिकली क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन यू से दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों है, क्योंकि जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वहां से ब्रेक करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, तो वहां से अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जिससे हमें वर्क विच गिव्स अस टेंडेंसी टू डू द वर्क, समझ रहे हो, इसकी वजह से वी बिकम कैपेबल ऑफ डूइंग एनी पर्टिकुलर वर्क, हम इस एनर्जी की वजह से वर्क कर पाते हैं बेटा, जो हमें ऊर्जा मिलती है जिसको आप बोलते हो, जैसे भूख लगी होती है ना, जब ज्यादा भूख लगी होती है तो हमें काम करने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत आती है उसके, हमने मान लो कोई वर्कआउट करना है लेकिन भूखे हैं बहुत ज्यादा, तो हमारा शरीर वहां पे मना कर देता है, बॉडी सिस्टम इग्नोर कर देता है, कहता है नहीं मैं नहीं अब करूंगा कुछ भी जब तक मुझे कुछ नहीं मिलता, मुझे एनर्जी नहीं मिलती, वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है जो आप खाना खा रहे हो, अब आपके फूड प्रोडक्ट्स में क्या होता है, ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज के केस में जब हम खाते हैं इनको तो वो ऑक्सीजन, जैसे हम जब रेस्पिरेशन रिस्पायर करते हैं तो ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, वो ऑक्सीजन इन ग्लूकोज पार्टिकल्स को क्या कर देती है, ब्रेक करती है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज होता है, बट अलॉन्ग विद एनर्जी यूज होती है, ये एनर्जी यूटिलाइज की जाती है और वेरियस बॉडी फंक्शनिंग प्रोसेसेस के लिए, ठीक है बेटा, ये आपके पास टाइप्स ऑफ एक्सोथर्मिक एंड सेकेंडली जो मेन हम डिस्कस कर ही रहे हैं दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है ये, ठीक है, इसके साथ साथ आगे नेक्स्ट चलते हैं, जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, जैसे आप बोलते हो कंपोस्ट खाद बनाना जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें भी यही होता है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, जो भी हमारे पास वेस्ट मैटर होता है बायोडिग्रेडेबल मटीरियल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वेजिटेबल वेस्ट हो गया, ठीक है, या इसी तरह से जैसे प्लांट्स वेस्ट वगैरह हो गया, तो जब वो डिकम्पोज करता है तो वहां पे भी हीट एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, उस केस में भी हीट एनर्जी रिलीज होती है, ठीक, तो इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज है बेटा जो हम परफॉर्म कर सकते हैं, जिनको हम एनालाइज कर सकते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, क्लियर बेटा, ये आपके पास फर्स्ट आ जाता है, इसमें हम लोग ये डिस्कस करते हैं, सिमिलरली जैसे ये एक्टिविटी है, सेकंड आपके पास आ जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन में बेटा क्या है कि यहाँ पे ब्रेक डाउन होती है, जो आपका पर्टिकुलर केमिकल स्पीशी है वो क्या करता है, ब्रेक करता है, डिवाइड हो जाता है इंटू सिंपलर सब्सटेंसेस, मतलब एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट जो है वो डिकम्पोज करेगा, ब्रेक करेगा वहां टू गिव टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स वहां से रिलीज होंगे, जैसे ये यहाँ पे एक प्रैक्टिकल हो रहा है, एक्टिविटी आप देख सकते हो दी हुई है, क्या बोला जा रहा है, 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स दिए गए, फेरस सल्फेट का बेटा फॉर्मूला होता है FeSO4। एक चीज बेटा और ध्यान रखनी है, जैसे मैं पहले लेक्चर में भी बोला था कि केमिकल फॉर्मूलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो प्रीवियस टॉपिक जिसकी आपको एक असाइनमेंट भी भेजी गई थी दैट इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस,
तो वो तभी हो सकती है बेटा जब आप लोगों को केमिकल फॉर्मूलाज आते होंगे। तो सबसे पहले तो आपके जो केमिकल फॉर्मूलाज हैं उनको लर्न कीजिए, आप डिफरेंट डिफरेंट केमिकल फॉर्मूलाज को, अगर कोई इश्यू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको डिस्कस कीजिए, ठीक है। नहीं पता चल रहा है कोई तो पूछिए उसको, ठीक है। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है स्टडी अबाउट द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, दैट इज द केमिकल फॉर्मूलाज एंड सिंबल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। तो इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, डिकम्पोजिशन में एक सिंगल पर्टिकुलर स्पीशीज जो है वो डिकम्पोज करता है टू फॉर्म टू और मोर देन टू न्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है। जैसे फेरस सल्फेट क्रिस्टल है, जब हम इनको हाइट करते हैं, हीट किया इसको, ठीक है। अब ये देखो हीट हो रही है, मतलब आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे हीटिंग कर रहे हो, मतलब ये क्या हो गई, एक तरह से एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। ये एंडोथर्मिक, एंडो मीन्स गेन, थर्म मीन्स हीट, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो जब हम बेटा फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो वहां से फेरिक ऑक्साइड बनता है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, ठीक है जी। जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल होते हैं इनका ग्रीन कलर होता है बेटा, फेरस सल्फेट ग्रीन कलर्ड क्रिस्टल होते हैं, ठीक है। जब हम इनको हीट करते हैं तो वहां से इनका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, ब्राउनिश कलर में अपीयर हो जाते हैं, अलॉन्ग विद सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, मतलब सल्फर ऑक्साइड्स जो है वो गैसेस प्रोड्यूस होती है, ठीक है जी। यहाँ पे आपको जो इस ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ द रिएक्शन, इस रिएक्शन को जब हम परफॉर्म करते हैं तो वहां पे कैरेक्टरिस्टिक कलर एज वेल एज कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर प्रोड्यूस होगा, ऑर्डर मीन्स स्मेल हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस केस में, ठीक है बेटो जी। ये एक रिएक्शन होती है जो हम प्रैक्टिकल लैब में परफॉर्म करते हैं, क्लियर बेटा। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस जो है वो रिलीज होती है वहां से, ब्राउन गैस, ब्राउन कलर्ड गैस जो आपकी टेस्ट ट्यूब होगी वो ब्राउनिश सी हो जाएगी ऊपर से, ठीक है। तो ये चेंजेस जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन जो हमने किया था, कलर चेंज वाला कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑर्डर स्मेल, वो वाला कैरेक्टरिस्टिक इस पर्टिकुलर रिएक्शन में ऑब्टेन आप कर सकते हो, हम ऑब्जर्व करते हैं इसको, ठीक है जी। ये आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहलाती हैं, जहां पे एक पर्टिकुलर केमिकल स्पीशीज जो है वो ब्रेक करता है टू फॉर्म टू और मोर देन टू केमिकल सब्सटेंस, ठीक बेटा। सिमिलरली कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन जो होता है, ठीक है, जब इसको हम हीट करते हैं, स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो वहां पे कैल्शियम ऑक्साइड जिसको आप क्विक लाइम बनते हैं, जो अभी आपने ऊपर रिएक्शन की है वो फॉर्मेशन होती है, इंक्लूडिंग CO2 गैस रिलीज होती है। ये भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है बेटा जी। इस तरह से हम लोग ये सारी कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। बाकी अनदर एग्जांपल्स दे सकते हो, जैसे यहाँ पे लेड नाइट्रेट पाउडर की एग्जांपल ली हुई है, ठीक है। लेड नाइट्रेट पाउडर को क्या किया गया, बॉइलिंग ट्यूब में हीट अप करना है हमने, ठीक है जी। जैसे ही आप हीट करोगे वहां से ऑब्जर्वेशन आने टेक्स प्लेस हो जाएंगी, ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगे, ठीक है। ये ब्राउन फ्यूम्स किसके हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज टेक्स प्लेस होती है, और जो आपके पास रिएक्शन है वो इस तरह से टेक्स प्लेस होती है, ये आप देख सकते हो, डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। ये लेड नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला होता है PbNO3 twice, इसको हीट किया क्या बना, लेड ऑक्साइड बन गया PbO+, 4 moles नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस हुए और 1 mole ऑक्सीजन का। इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे हीट यूज हो रही है, ये देखो हीट यूज हो रही है, मतलब आप रिएक्शन करवा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ठीक है जी। तो बेटा जनरली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ केसेस में जो कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन होती हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। एक्सो मीन्स एग्जिट, रिमूव आउट होना, हीट, थर्म मीन्स हीट, तो मीन्स टू से कॉम्बिनेशन रिएक्शन मोस्टली क्या होती हैं, एक्सोथर्मिक होती हैं, और जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं वहां पे हीटिंग इफेक्ट चाहिए होता है, तो इसलिए इनको एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो
बोला जाता है बेटा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ये दोनों टाइप की रिएक्शंस को अच्छी तरह से कर सकते हो, आप रिवाइज कर सकते हो और डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ आप इनको रिप्रेजेंट भी कर सकते हो, प्रैक्टिकली हम लोग इनको स्टडी भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा जी। इसी तरह से एक इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ये भी एक तरह की डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जहां पे हम वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करवाते हैं और वहां पे ये जो वाटर है वो H2+O2 गैस में डिकम्पोज कर जाता है, ठीक है। ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। अब बेटा इसी में डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के केस में ही ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड होती है, ठीक है। जो ध्यान से सुनना है बेटा, जो रिएक्शंस हीट की प्रेजेंस में टेक्स प्लेस करें, हीट जहां पे हम हीट कर रहे हैं कंटेंट को, ठीक है, वो रिएक्शंस कहलाती हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। इनको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बोला जाता है, जहां पे हीट की प्रेजेंस में कोई पर्टिकुलर केमिकल स्पीशी जो है वो डिकम्पोज हो रहा हो, दोज आर नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जिन पर्टिकुलर रिएक्शंस के केस में हीटिंग इफेक्ट डायरेक्ट ना देकर हम लोग इनडायरेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक करंट के साथ अगर हम डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, ब्रेकडाउन ऑफ द केमिकल स्पीशी कर रहे हैं बट विद द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो उनको बेटा बोला जाता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। पहले कौन सी बोलता है मैंने, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर दोज इन विच देर इज सप्लाई ऑफ हीट विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ठीक है। द सेकेंड टाइप दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन इन विच द डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वॉटर जो है वो एक इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन है बेटा, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है बेटा। और एक आपके पास और आती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में वो आपकी कहलाती है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये सनलाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती हैं इनको बोला जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन, सॉरी फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ठीक है। जैसे सिल्वर क्लोराइड है, अगर हम इसको धूप में रखते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं, तो वो सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस में डिकम्पोज कर जाता है। ये जो डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड है इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन, ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है बेटा। ये कौन सी, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगे बेटा पढ़ा, इस तरह से आप इनको डिकम्पोजिशन रिएक्शन फर्दर आगे कितनी कैटेगरीज में डिवाइड होती है, थ्री कैटेगरीज में। कौन सी थ्री, सिंपल थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकेंड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन एंड थर्ड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है बेटा। तो इस तरह से इनको आपने एक एक करके अलग अलग करके लिखना है आगे टाइप्स इनकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसी तरह से कॉम्बिनेशन में एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, ठीक है, एक्सोथर्मिक मोस्टली कॉम्बिनेशन में एक्सोथर्मिक की बात करते हैं, डिकम्पोजिशन में एंडोथर्मिक, लेकिन वो किस किस की प्रेजेंस में होती है उसके आधार पे हम केमिकल रिएक्शंस को हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच द डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन इन विच द डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन इन विच द डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस in the presence of electric current. So these are the different types of reactions which are studied under decomposition reaction. Similarly, silver bromide का केस आप लिख सकते हो, ये भी एक रिएक्शन जो है वो कौन सी है आपकी, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है ये, ठीक है बेटा। So, ये टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन अभी फिलहाल के लिए आपने इनको अच्छी तरह से स्टडी करना है, ठीक। और ये वाले क्वेश्चन जो है आपने एनसीईआरटी में, ये दो क्वेश्चंस, टू क्वेश्चन है ये, इनको आपने करने की कोशिश करनी है। जैसे सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग, अभी मैंने बताया व्हाइट वॉशिंग के लिए क्या यूज होता है सॉल्यूशन, ठीक है। आपने सब्सटेंस एक्स
सब्सटेंस का नाम बताना है, फॉर्मूला लिखना है और उसके बाद रिएक्शन देनी है उसको, ठीक है। तो ये करना है आप लोगों ने। इसके अलावा व्हाट आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस, व्हाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, व्हाट डू यू मीन बाय फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ठीक है। ये सारी की सारी इस तरह से आपने ये क्वेश्चंस बनाने हैं। इस तरह व्हाट हैपेंस व्हेन सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड आर प्लेस्ड इन डायरेक्ट सनलाइट। क्या होता है जब सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को हम डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं, तो ये रिएक्शंस वहां पे देनी है, समझ रहे हो। ये जो सिल्वर क्लोराइड होता है, जब हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखते हैं तो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। बाय ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, बाय सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब क्या लिखोगे, ड्यू टू फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू फॉर्म सिल्वर। इस तरह से लग गया पता बेटा। ये जो सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड वाली जो रिएक्शन है, दैट इज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है, इनको ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। फोटोग्राफी वही जो हम लोग आजकल तो चलो डिजिटल आ चुके हैं, पहले यूज किया जाता था वो आपके जो जो जिनको जिनको कहते थे कि हम लोगों ने वो नेगेटिव आते थे ना, वो कैमरा में जो दूसरे कैमराज होते थे उनमें डालते थे नेगेटिव्स, नेगेटिव बोलते थे उनको, ठीक है। जैसे एक्सरे होता है ना, एक्सरे देखा होगा आप लोगों ने, एक्सरे की जो वो फिल्म होती है जहाँ से वो देखते हैं उसको, वो इसी से ऑब्टेन होते हैं सिल्वर एंड सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड रिएक्शन, यही यूज होती हैं वहाँ पे फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जिसको हम बोलते हैं वहाँ पे ये यूटिलाइजेशन होती है, ठीक है जी। तो इस तरह से आप लोग ये सारे के सारे दोनों टाइप की रिएक्शंस को आपने थोरली पढ़ना है, ठीक है। और डिफरेंट पॉसिबल क्वेश्चंस को आपने जरूर असाइनमेंट नोटबुक के ऊपर राइट डाउन करते रहना है बेटा, इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो आपने पूछनी है, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही है, आपने सिर्फ दो रिएक्शंस करनी है इन डिटेल, कौन सी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये दोनों आपने अच्छी तरह से रेडी करनी है, ठीक है। और साइड बाय साइड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है उनको आप लोगों ने राइट डाउन करना है उन्हें और असाइनमेंट नोटबुक, जैसे कि मैंने डिक्टेट किए दिए ड्यूरिंग द लेक्चर, ठीक है बेटू। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।